students assalamu alaikum this is science class for grade 6 and i am here miss evansa your science teacher i hope you all are fine and uh, enjoyed your weekend your holidays and hopefully you also completed your work your task uh, students we are doing chapter number 10 and the topic is changing uh, circuits in that वी आर डूइंग द टॉपिक हाउ डू द कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इसका ये मतलब है कि कैसे जो हैं कंपोनेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करते हैं और कंपोनेंट्स क्या हैं किसी भी सर्किट के उसमें बैटरी है स्विच है बल्ब हैं और वायर्स हैं ठीक है दीज आर दंपोनेंट्स वाट आर दीज बैटरी वायर्स स्विच एंड बल्ब और उसके साथ ये कैसे अफेक्ट कर सकता है कि अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दें अब वेरिएबल क्या चीज़ें हैं वेरिएबल भी कंपोनेंट्स हैं और वो चीज़ है जिसको हम चेंज कर सकते हैं बैटरी uh, अगर एक है उसे दो कर सकते हैं स्विचज़ वन है उस उन्हें दो कर सकते हैं तीन कर सकते हैं बल्ब जो हैं उन्हें वन टू थ्री कर सकते हैं दीज आर देरिएबल्स और जब भी हमने चेंज करना है तो हमने किसी एक चीज़ को चेंज करना है बाकी कंपोनेंट्स को हमने कांस्टेंट रखना है सेम रखना है ऐसा नहीं करना कि अगर हम एक बल्ब एक के साथ दो कर रहे हैं तो हम साथ ही बैटरीज भी दो कर दें और स्विचेस भी दो कर दें एट अ टाइम वी हैव टू चेंज वन वेरिएबल और वेरिएबल क्या है, कंपोनेंट्स हैं और उन्हीं को हम चेंज करते हैं अगर ऐसा हम नहीं करेंगे बाकी सब कंपोनेंट्स को या वेरिएबल्स को कांस्टेंट नहीं रखेंगे सिर्फ एक को हम चेंज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें अफेक्ट पता नहीं चलेगा कि जैसे अगर एक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से उसमें कितना करंट था और जब हमने दो बल्ब जो हैं या टू बल्ब अटैच किए तो उसका अफेक्ट क्या हुआ तो हमें उसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा अगर हम सार, हर वेरिएबल को या हर कंपोनेंट को चेंज करेंगे और इसमें हमने वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशंस हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स uh, कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वी डिड दिस कि हमने एक बैटरी ली दिस इज़ द बैटरी दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी सोर्स देन वायर्स वन स्विच एंड वन बल्ब और हमने क्या किया कि देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइटअप हो जाता है और हमने ये अटैच किया है इन सीरीज़ आफ्टर दैट हमने सेकेंड उस इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के सेकेंड पार्ट में क्या किया कि एक बैटरी की रिप्लेसमेंट कर दी दो बैटरी के साथ बाकी सेम चीज़ें रहीं स्विच भी एक रहा और बल्ब भी एक रहा और वायर्स भी वही रहीं और हमने सीरीज में ये कनेक्शन किया हुआ तो हमने उसमें डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया कि जब हमने एक बैटरी थी तो बल्ब की जो लाइटनिंग है उसको नोट किया बट व्हेन वी अटैच टू बैटरी तो बल्ब वाज ब्राइटर देन द प्रीवियस वन कि बल्ब जो है ज़्यादा रोशन हुआ और इसका क्या मतलब हुआ कि अफेक्ट किया अब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो गया ठीक है जिसकी वजह से बल्ब जो है बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशन हुआ और हमने ये देखा कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल चेंज किया जो हमने चेंज किया था वो है नंबर ऑफ़ बैटरीज़ यानी एक की जगह दो कर दी लेकिन जो हमने सेम रखे वेरिएबल्स वो था नंबर ऑफ बल्ब एक रहा टाइप ऑफ बल्ब भी वही थी टाइप ऑफ बैटरी भी वही थी और टाइप ऑफ वायर्स भी थी टुडे वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू कि हमने कंपेयर करना है टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स को वन इज़ दिस इसमें क्या है कि इसमें आप देखें कि टू बैटरीज हैं वायर्स हैं एक बल्ब है और उसके साथ एक स्विच अटैच है ठीक है और हमने जब सर्किट कंप्लीट किया वन बल्ब इज़ कनेक्टेड टू द इन सर्किट सेकेंड हमने क्या किया वेरिएबल हमने अब सेकेंड कि अब जो है वन बल बल्ब वन बल्ब की जगह पे हमने टू बल्ब जो हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं तो हमने कौन सा वेरिएबल चेंज किया पहले हमने चेंज किया था बैटरी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में इस इन्वेस्टिगेशन में बैटरी जो है टू है और उसके साथ हमने बल्ब जो हैं पहले वाले में टू बैटरी थी एक बल्ब था सेकेंड सेटअप में सेकेंड सर्किट में बैटरीज दो हैं लेकिन उसके साथ बल्ब अब दो हो गए हैं तो कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ बल्ब अब हमने ये कंपेयर किया कि जब एक बल्ब अटैच था तो रोशनी ज़्यादा थी बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइट अप हुआ लेकिन जब टू बल्ब अटैच हुए तो जाहिर है ऑब्वियस ही बात है कि अब करंट जो है टू बल्ब्स में डिवाइड हो गया है तो जिसकी वजह से दोनों बल्ब इतने ज़्यादा लाइटन नहीं हुए रोशन नहीं हुए जितना कि एक बल्ब था और इसकी रीज़न क्या है कि आप करंट जो है टू बल्ब में डिवाइड हो गया पहले वो सिर्फ एक बल्ब के लिए था इन्वेस्टिगेशन टू में जो वेरिएबल चेंज हुआ वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया वेरिएबल्स क्या हैं कंपोनेंट्स को भी कह सकते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और हम सिर्फ एक को चेंज करते हैं और वो क्या था नंबर ऑफ बल्ब पहले एक था दो बाद में दूसरे सर्किट में दो और वेरिएबल्स कैप द सेम जिनको सेम रखा गया वो नंबर ऑफ़ बैटरीज था अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज इन सीरीज टाइप्स ऑफ बैटरी टाइप ऑफ बल्ब एंड टाइप ऑफ वायर्स और इससे हमने ये कंक्लूड किया कि द नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कि ब्राइटनेस अफेक्ट होती है जब हम बल्ब का नंबर इंक्रीज कर देते हैं और हमने इससे कंक्लूजन या रिजल्ट क्या हम निकालते हैं कि द नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज ऑन द नंबर ऑफ बेल्स कनेक्टेड इन सीरीज ये अफेक्ट करते हैं इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द करंट इन अ सर्किट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज बट वट यू हैव टू रिमेंबर के एक वार्निंग भी है कि डू नॉट कनेक्ट टू मैनी बैटरीज इन सीरीज इन अ सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल इंक्रीज एंड ओवर हीट द बल्ब वायर्स एंड अदर सर्किट कंपोनेंट द बल्ब में बर्न आउट एज अ रिजल्ट तो वार्निंग क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बैटरी कनेक्ट नहीं करनी ज्यादा कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा और उसी की वजह से क्या होगा के वायर्स हीटअप हो जाएंगी और दूसरे कंपोनेंट भी हीटअप हो जाएंगे और उससे बल्ब के जो कहते हैं ना जैसे बल्ब फट गया उसका फिलामेंट जो है जो उसके अंदर फिलामेंट होता है एक्चुअली वो ब्रेक होता है वो टूट जाता है उसके टूटने का भी जो है ख़तरा होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा बैटरीज़ को सीरीज़ में अटैच नहीं करना सर्किट में और आप एक या दो बैटरीज़ के साथ अपना जो है वो प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं और आ, इसके बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो क्या है नंबर ऑफ़ बैटरीज इन सीरीज़ एंड नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़